सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, जीवन या जो जीवन में पाया, यात्रा या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल। बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना, परंतु तनिक धीरज से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, स्वयं सोचिए। मान, संतान, धन? नहीं ना, अंतिम लक्ष्य है परम आनंद, और ये अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का केवल एक ही उपाय, और वही आपका कर्म, वही आपकी यात्रा भी, और वही आपका प्रारब्ध भी है। और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है? वो है आपका मन, जो मस्तिष्क की भांति हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको ये बताता है कि शुभ किसमें, संसार का कल्याण किसमें, आनंद किसमें। यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके फलों को, सब को शुभ बना सकता है। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप, इनका उड़ना, वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना। इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाए। ईर्ष्या होती है ना जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने? इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे? पहली बार वायु में उठते समय कितना भय लगा होगा इन्हें? अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी? इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें, उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं। कभी वन में सिंह को अखेट करते देखा है? हमें लगता है कि सिंह तेजस्वी है, बलशाली है, तीव्र है, इसलिए वो अखेट कर पाता है। परंतु इस अखेट के दूसरे पक्ष को भी देखने का प्रयास कीजिए। सिंह अखेट तभी कर पाता है जब हिरण आस छोड़ देता है, जब वो भागना बंद कर देता है, जब वो संघर्ष करना छोड़ देता है। सिंह हिरण की मृत्यु नहीं चुनता, हिरण स्वयं अपनी मृत्यु चुनता है। ठीक उसी प्रकार असफलता हमें नहीं चुनती, हम असफलता को चुनते हैं। ये हम ही हैं जो आशा को छोड़कर संघर्ष करना छोड़ देते हैं और भाग्य का अखेट बन जाते हैं। इसलिए संघर्ष करना मत बंद कीजिए, प्रयास करते रहिए और सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। जब घर में अंधकार छा जाता है तो प्रकाश लाने के लिए आप क्या करते हैं? दीपक ढूंढते हैं,
और उसकी लौ को प्रज्वलित करते हैं और फिर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, यदि अंधकार को दूर करना है तो दीपक की लौ को प्रज्वलित तो करना ही पड़ता है। यही बात तो समझने की है, यदि अंधकार से लड़ना है तो अंधकार का सहारा नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। घृणा का अंत करना है तो उसे घृणा से अंत नहीं किया जा सकता, उसे प्रेम की आवश्यकता होती है। शत्रुता का अंत शत्रुता से नहीं किया जा सकता, उसे क्षमा की आवश्यकता होती है। यदि आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ना है तो स्वयं को सकारात्मक बनाना होगा और तभी आपके जीवन में वास्तविक आनंद आ सकेगा। एक ना एक बार हर युवा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके साथ बहुत कठोर हो रहे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी कुम्हार को मटकी बनाते हुए देखा है? वो गीली माटी से मटके को चाक पर आकार देता है और वास्तविक आकार वो मटकी को तब देता है जब वो लकड़ी के संभल से मटके को बाहर से पीटता है। हम सभी उस कुम्हार को मटके को पीटते हुए देखते हैं, परंतु उस कुम्हार के उस हाथ को नहीं देखते जो मटके को भीतर से बाहर की मार से सहारा दे रहा है। हमारे माता पिता भी ऐसे ही होते हैं, अपनी संतान के भले के लिए, उसके भविष्य को आकार देने के लिए कभी कभी वो कठोरता को भी अपनाते हैं। आप केवल उनकी कठोरता को मत देखिए, उस संभल को भी देखिए जिसने आपको भीतर तक से संभाल कर रखा है।